उनको तोड़ के वो हम टेंट के अंदर बिठाने वाले भी वही थे, तो मंदिर तो बनाना था। बात हिंदुओं की सरकार बन करके करना और वसूली हिंदुओं से करना। पिछले 18 साल में भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार जो चीख चीख के खुद ही गवाही दे रहा है, किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। जनता ने मन बना लिया है कि भ्रष्टाचारियों को सरकार से बाहर करना है और महाकाल मंदिर का भ्रष्टाचार सभी के सामने आया है। का जो काम है वो एक भूमाफिया टाइप है। तो मध्य प्रदेश का महासंग्राम जारी है और कांग्रेस बीजेपी की टक्कर भी जोरदार जारी है। अभी हमने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से बात की, अब हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस से माया त्रिवेदी जी, इनसे हम जानेंगे कि कांग्रेस कैसी स्थिति में है इस बार मध्य प्रदेश में। पिछले 18 साल में भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार जो चीख चीख के खुद ही गवाही दे रहा है, किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हों या उनका पूरा संगठन हो, इस बार कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जनता ने मन बना लिया है कि भ्रष्टाचारियों को सरकार से बाहर करना है और उसी का परिणाम है कि आज इतना उत्साह देखने के लिए मिला। माया जी, आपको एक ऐसी सीट पर उतारा गया है जो सीट काफ़ी लंबे समय से बीजेपी के पास रही है, एक ही बार वहां से कांग्रेस जीती है पिछले 35 सालों की अगर बात करें, तो वो कौन से मुद्दे हैं जो लेकर आप जनता के बीच पहुँच रही हैं? बाबा महाकाल उज्जैन नगरी के देवता और विश्वविख्यात, पूरे विश्व पटल पे बाबा महाकाल हैं और महाकाल मंदिर का भ्रष्टाचार सभी के सामने आया है। सशुल्क दर्शन मतलब प्रतिष्ठान बना दिया है उसको, गर्भगृह में प्रवेश बंद पिछले 4-5 महीने से। बात हिंदुओं की सरकार बन करके करना और वसूली हिंदुओं से करना जब दर्शन के लिए आते हैं। एक बड़ी बात कह दी है आपने कि हिंदुओं की सरकार है और हिंदुओं से ही वसूली करते हैं। जब हिंदुओं की बात निकली है, राम मंदिर में बहुत जल्दी रामलला जो है वो विराजित होने वाले हैं, आपको लगता है ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लिए एक क्रेडिट की तरह साबित हो सकता है, मतलब उन्हें ये फायदा दे सकता है, उनके लिए गोल्ड है ये? राम त्रेता युग से हैं, राम को कोई लाए नहीं है, अयोध्या मंदिर लेकिन वो त्रेता युग से हैं और वो थे, उनको तोड़ के वो हम टेंट के अंदर बिठाने वाले भी वही थे, तो मंदिर तो बनाना था और राम खुद मंदिर बनवा रहे हैं और वे खुद प्रतिष्ठित होंगे और राम की जय जयकार होगी। अगर आप जीतती हैं तो आपकी सीट पर सबसे पहले विकास के मुद्दे में आप किस किस चीज़ पर सबसे पहले काम शुरू करेंगे? मैंने अभी कहा कि बाबा महाकाल की नगरी उज्जैनी सिंहस्थ यहाँ पर होता है, तो जो शिप्रा नदी में जो अव्यवस्था है उसे लेकर के और महाकाल मंदिर के कारण पूरी एक आदर्श नगरी होना चाहिए थी, पवित्र नगरी होना चाहिए थी, लेकिन वो हो नहीं पाई, हम आने वाले समय में वही करेंगे। कालू खेड़ा जी, आपके सामने क्या चुनौती देना चाहेंगे आप उनको? कोई चुनौती नहीं है, उनका जो काम है वो एक भूमाफिया टाइप है, तो चुनौती तो कुछ भी नहीं। जनता से, जनता को आपसे क्या उम्मीद लगानी चाहिए? आप एक महिला हैं, हम विधानसभा क्षेत्रों की जो यात्राएं कर रहे हैं उसमें जहां जहां भी महिला विधायक हैं, लोगों का एक ही कष्ट है बस महिला विधायकों के साथ कि वो मिलती नहीं है, भाभी मिलती नहीं है, क्या ये शिकायत आपसे होगी आने वाले समय में? मैं 12 महीने और 2400 घंटे, ये तो आज चुनाव है, यूँ भी रहती हूँ, इसीलिए महिलाएँ मुझसे मिल रही हैं आकर के, ये समस्या कभी नहीं होगी। तो ये समस्या कभी नहीं होगी, ये जनता के लिए उपलब्ध रहेंगी, जनता की नेता हैं और जनता के लिए उपलब्ध रहेंगी, ये बात इनका कहना है माया त्रिवेदी जी का। आपको बता दें कांग्रेस से इन्होंने ताल ठोकी है कालू खेड़ा के खिलाफ, जिस क्षेत्र से 6 बार के एक विधायक का पत्ता काट दिया गया था और टिकट दिया गया एक नए चेहरे को भारतीय जनता पार्टी ने। बहरहाल देखना यह है कि उज्जैन की इन दोनों सीटों पर किसकी जीत किसकी हार होगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। जनता ने अपना मन बना लिया है और जनता का मन हम आपको जरूर बताएंगे, क्योंकि हम भी बात कर रहे हैं लगातार बार बार जनता से, किन मुद्दों पर जनता वोट करेगी, सनातन का पलड़ा भारी या विकास, सनातन का डंका बजेगा या डेवलपमेंट पर होगी बात। फिलहाल अगर आप जानना चाहते हैं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों की पल पल की खबर, तो आप देखते रहिए वीके न्यूज, और मध्य प्रदेश की हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए देखिए वीके न्यूज मध्य प्रदेश। वीके न्यूज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा।